के साथ जो इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है, तो ये बहुत घातक परिणाम देने वाला है जो हो चुका है। तीसरी बात हम कहेंगे कि हमारे देश में अभी राष्ट्रीय सुरक्षा वो सिर्फ सरहद पर नहीं, देश के अंदर है। और वाकई अगर मणिपुर मॉडल बन जाएगा, अगर कल जो कुछ हरियाणा में हुआ है, शुरू हुआ है अभी, वो मॉडल बन जाएगा, जो ट्रेन में कल हुआ है, जहां हमने देखा कि आरपीएफ के जवान, जिनका काम है रेलवे सुरक्षा बल, सुरक्षा के लिए उनकी जिम्मेदारी है, इसी के लिए उनको काम मिला है, इसी का वेतन उनको मिलता है, और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने उस ट्रेन में चार चार लोगों को मार दिया, अपने ऊपर के अफसर को भी मारा और तीन तीन देश के नागरिकों को मारा, ये कहते हुए चुन चुन करके मारा, ये कहते हुए कि इस देश में रहना है, वोट देना है, तो बस मोदी और योगी दो ही है। और कल से हम देख रहे हैं कि इस न्यूज को जिस तरह से सैनिटाइज कर दिया गया, पुलवामा की सड़कों को सैनिटाइज नहीं किया गया था, लेकिन इस न्यूज को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया और बता दिया गया ये तो मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान एक आदमी थे, कोई साइको थे और इसीलिए ऐसा हो गया। इसमें कहीं वो जो तीन लोग मारे गए वो मुस्लिम थे, ये भी नहीं बताया जा रहा है। इस पूरे न्यूज को जिस तरह से सैनिटाइज किया गया, अगर ये मॉडल चलेगा तब नेशनल सिक्योरिटी का क्या। और चौथी बात जो हम कहना चाहते हैं कि हमारे फॉरेन पॉलिसी के साथ नेशनल सिक्योरिटी का बहुत जबरदस्त लगाव है। ये जो रास्ता हमने सोच लिया कि हम बात करते हैं कि भाई हमको चीन से और पाकिस्तान से हमारी लड़ाई है, खतरा है, और चीन और पाकिस्तान से खतरे के नाम पर हम पे पूरे फॉरेन पॉलिसी को हमने मॉर्गेज करके रख दिया है अमेरिका के हाथों, इसराइल के हाथों, तो ये अमेरिका और इसराइल हमारे पड़ोसी नहीं है। तो पड़ोसी मुल्क से अगर हमारी दोस्ती नहीं रहेगी, शांति का माहौल नहीं रहेगा, उसमें हम लाख जितना खरीदते रहेंगे, रफाल खरीदते रहेंगे, पूरी दी जाएंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नाम पर, वो पूरे डिफेंस डील होता रहेगा, तो बड़े बड़े घोटाले उजागर होते रहेंगे, लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी हमें नहीं मिल सकती। और सिर्फ पाकिस्तान और चीन की बात तो नहीं है, हम तो नेपाल से भी अलग हैं। हमारे पार्लियामेंट में अखंड भारत का पूरा मैप लगा दिया जाता है तो नेपाल वाले परेशान होते हैं, बांग्लादेश वाले परेशान होते हैं, श्रीलंका वाले परेशान होते हैं। तो हमारे पड़ोस के जितने पड़ोसी देश हैं, तो जियोग्राफी तो हम बदल नहीं सकते, हम हिस्ट्री को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तो नए सिरे से लिख देंगे, जियोग्राफी को क्या नए सिरे से लिख देंगे। तो हमें लगता है कि इस समय ये जो फॉरेन पॉलिसी जिसमें हम क्वाड के मेंबर हैं, हम I2UQ के मेंबर हैं, कहने के लिए तो हम ब्रिक्स में भी हैं, कहने के लिए हम SCO में भी हैं, कहने के लिए हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, आज वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से लेकर के ग्लोबल साउथ की सॉलिडारिटी सारी बातें बाहर चली गई और सिर्फ अमेरिका, वेस्टर्न अलायंस और इजराइल, ये जो फॉरेन पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि ये फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान के लिए बेहद घातक है और इस पर भी कोई कंसेंसस बनना नहीं चाहिए। इस फॉरेन पॉलिसी की सरकार के साथ साथ इस फॉरेन पॉलिसी का भी 2024 में इसका रीओरिएंटेशन होना चाहिए और तभी देश में राष्ट्रीय सुरक्षा को आप मजबूती दे पाएंगे। इसी के साथ हम तमाम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं और आज जिस तरह से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, इससे तो बिल्कुल लग रहा है कि देश में एक बड़ा बदलाव आ रहा है और देश इस बदलाव को सुरक्षित देखना चाहता है। तो ये बदलाव, फिर एक बार बदलाव का तो कोई इंश्योरेंस स्कीम होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये बदलाव जब इतने लोग चाह रहे हैं समाज के हर तबके में, हर कोने में देश के, तो जाहिर सी बात है 77 में भी बदलाव आया था और इस बार भी इस देश में इतने बड़े तानाशाही जब देश में है, इस तरह से देश पर सिर्फ शासन के स्तर पर नहीं, पूरे समाज के स्तर पर हमें बिगाड़ने, बर्बाद करने की पूरी कोशिश चल रही है, बर्बादी का आतंक का राज चल रहा है, तो बर्बादी और आतंक और नफरत और हिंसा के राज के खिलाफ जरूर ये देश जीतेगा। इंडिया अब कहे हमारे विपक्ष के जोट ने, गठबंधन ने इसका नाम दिया है इंडिया, तो इंडिया का हो, भारत का हो, इंडिया दैट इज भारत, ये देश जरूर जीतेगा, देश की जनता जरूर जीतेगी और तभी देश सुरक्षित भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।